नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नई मेड इन इंडिया वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमारी एक भारतीय कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जहाँ पर ये कंपनी हमारी भारतीय सेना के लिए रेडियो टेक्टिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। दोस्तों यहाँ पर करोड़ों रुपये की लागत से इस डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग की जानी है और ये सारा काम मेक इन इंडिया मिशन के तहत हमारे देश के अंदर ही किया जाएगा। तो हम जानेंगे इस वीडियो में सारी जानकारी, या वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, रोजाना ऐसे ही मेड इन इंडिया वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों बात करें हम भारतीय सेना में कम्युनिकेशन को लेकर के, तो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आती हैं। दोस्तों जिन इलाकों में हमारे जवान रहते हैं वहां पर कम्युनिकेट कर पाना एक दूसरे से एक बहुत कठिन समस्या हो जाती है, जहां पर इस नई डिवाइस के जरिए मल्टीपल चैनल्स और मल्टीपल वेव्स के जरिए कनेक्ट किया जा सकेगा। जिस तरीके से हमारे फोन के अंदर दो सिम्स होते हैं, जब एक पे हम कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हम दूसरे पे कांटेक्ट करते हैं, ठीक इसी तरीके से यह डिवाइस भी काम करेगी। दोस्तों हम बात करें उस देसी कंपनी के बारे में, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा यह काम किया जाना है, जिसका ऑर्डर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ से दिया गया है इस भारतीय कंपनी। दोस्तों यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए की लागत से इस डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग की जानी। इस डिवाइस का पूरा नाम सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल नाम रखा गया, यानी SDR टेक। दोस्तों यहाँ पर कंपनी का कहना है कि इस डिवाइस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के जरिए इसको तैयार किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि 6 से 7 महीने के भीतर इस डिवाइस को कम्प्लीटली बनाकर हमारी सेना को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों बात करें हम इस डिवाइस की और खास जानकारियों के बारे में, तो यह किसी भी मौसम में आसानी से कम्युनिकेशन करने में आर्मी की मदद करेगी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कम्युनिकेशन करने में वॉइस को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें आवाज कट जाती है और सही जानकारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है। लेकिन यहाँ पर इससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा इस डिवाइस में, ताकि ये सारी समस्याएं ना हो सके। दोस्तों इसको हर तरीके से यूज किया जा सकेगा, यानी कि हमारी देश की जितनी भी सेनाएं हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर इसकी और खास डिटेल्स को शेयर नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों ये डिफेंस से जुड़ी हुई जानकारी है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। इस वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। मिलते हैं हम आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।